नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो स्टडी हेल्प और मैं हूँ सचिन। दोस्तों आज के स्टूडियो में लेकर आया हूँ रीट लेवल 2 के से जुड़ी एक बहुत ही अहम खबर। दोस्तों खुशखबरी आ गई है आपके लिए, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है कोर्ट की तरफ से। दोस्तों ये खुशखबरी क्या है, इससे संबंधित क्या सुनवाई हुई, ये इससे संबंधित है या नहीं है, दोस्तों सारी जानकारी स्टूडियो में मिलने वाली है। दोस्तों उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कीजिए और बगल में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कहोगे जैसे मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप स्टूडियो देख सकते हो अपने फ़ोन पे ऑटोमेटिक। दोस्तों सब्सक्राइब नाउ, और अगर स्टूडियो को लाइक नहीं किया है तो स्टूडियो को लाइक भी कर सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आए तो पास में डिसलाइक ऑप्शन भी, आप डिसलाइक भी कर सकते हो। दोस्तों चलिए स्टूडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या सुनवाई हुई है या नहीं। दोस्तों आज सुनवाई नहीं हुई है, आज कोई बड़ी खबर नहीं देखने को मिली है, लेकिन एक खुशखबरी आई है जिससे आपकी डेट फाइनल हुई है। दोस्तों सेकंड वीक में आपकी जो सुनवाई है वो की जाएगी, और सेकंड वीक में लगभग 26 से 28, और मैं बताऊं मेरी तरफ से कंफर्म डेट है 26 जुलाई। 26 जुलाई को आपकी जो सुनवाई है वो हो सकती है। और एक और बात है दोस्तों, वो बहुत ही बड़ी खबर है कि जिस दिन आपकी सुनवाई होगी, भले किसी दिन सुनवाई हो, उसके अगले ही दिन जो रिजल्ट है आपका वो रिजल्ट आएगा, अगले दिन रिजल्ट आएगा, और उसके अगले दिन वैकेंसी निकलेगी 54,000 पदों पर। दोस्तों बड़ी पे बड़ी खबर आती खुशखबरी आई है, पहले दिन आपकी जो सुनवाई होगी उसके अगले दिन अपने रिजल्ट आएगा और फिर वैकेंसी। दोस्तों 3 दिन लगातार आपकी खुशखबरी मिलेगी। बात यह रही, एक और मैं बात बताना चाहता हूँ कि जिस दिन सुनवाई होगी 26 जुलाई, यानी कि 26 जुलाई को सुनवाई होगी, तो वो आखिरी सुनवाई होगी, क्योंकि फिर अब क्या जो फैसला आएगा वो पूरी तरह से क्लियर होगा, मामला आएगा पूरी तरह से, उस पर विचार विमर्श कर लिया जाएगा, फिर फैसला आएगा 26 जुलाई। इसी वजह से जज साहब ने भी कहा है कि सेकंड वीक में आपका फैसला आ सकता है, जो बड़ा है फैसला वो सेकंड वीक में आ सकता है रीट लेवल 2 का, और 2 साल का लंबा इंतजार है वो जल्द ही ख़त्म। 1 वीक का इंतजार आप कर लो और फिर आपका पूरी तरह से मामला क्लियर हो जाएगा, और स्टे अब की यार पक्की हटेगी। दोस्तों आखिरी डेट है 26 जुलाई, 26 जुलाई को स्टे हटनाते हैं। दोस्तों आप 100% थे 26 जुलाई को स्टे हटना। दोस्तों एक और बात रही कि स्टे हटेगी या नहीं, दोस्तों ऐसा नहीं है कि भर्ती रद्द होगी, स्टे हटने वाली है 26 जुलाई को, 26 जुलाई को हटे या 27 जुलाई को हटे या फिर 28 जुलाई को भी हट सकती है। इन तीनों डेटों में से एक डेट को हटने वाली है, आपकी जो स्टे है वो हटने वाली है, और आपके एग्ज़ाम है वो वापस नहीं होने वाले। दोस्तों भर्ती रद्द नहीं होने वाली है, ऐसा आप मन से ही निकाल दो, क्योंकि भर्ती कभी नहीं रद्द होगी। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, ताकि सभी को पता चल जाए कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। दोस्तों सभी को बता दो कि खुशखबरी आ गई आखिरकार डेट की। दोस्तों और एक बार और बात सभी को बता दीजिए कि रिजल्ट अगले दिन आने वाला है। तो दोस्तों धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद जय भारत।